गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 5 जॉन ड्राइडन की पोयम मैक फ्लेकनॉय। सो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मैक फ्लेकनॉय बेसिकली एक सटायर पोएम है, एक सटायर लिखा गया है, रिटन इन 1678 एंड पब्लिश्ड इन 1682। 1678 में से लिखा गया था और 1682 में से पब्लिश किया गया था। मॉक हीरोइक पोयम, ये एक मॉक हीरोइक पोयम है, यानी कि जिस हीरो पे ये लिखी जा रही है उसकी पूरी पोयम में मॉकरी हो रही है, यानी मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। रिप्लाई ऑफ थॉमस शेडवेल पोयम, ये जो पोयम है ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है और ये उन्होंने थॉमस शेडवेल की पोयम का रिप्लाई देते हुए लिखी, यानी उनके जवाब में एक पोयम लिखी है। इस पोएम का दूसरा टाइटल था अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पॉइंट टी एस यानी कि टी एस एलॉयट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है टी एस एलॉयट मेडल ऑफ जॉन ब्यास इन विच ही हैड क्रिटिसाइज जॉन ड्राइडन फॉर हिज पॉलिटिकल एंड राइटिंग करियर, यानी कि टी एस एलॉयट ने जॉन ड्राइडन पे कटाक्ष करते हुए यानी उसे क्रिटिसाइज करते हुए एक पोयम लिखी थी मेडल ऑफ जॉन ब्यास, जिसमें उन्होंने उसके राइटिंग और पॉलिटिकल करियर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था जॉन ड्राइडन को। तो उसी के जवाब में जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लेकनॉय नाम की पोयम लिखी, किसे, थॉमस शेडवेल को जवाब देते। तो बात करते हैं इस पोयम के बैकग्राउंड के बारे में, व्हाइट वॉज रिटन बेसिकली लिखी क्यों गई थी। जिस टाइम पे ये पोयम लिखी गई थी उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में। पहली पार्टी का नाम था टॉरीज एंड दूसरी का नाम था विक्स। टॉरीज में किंगडम और मोनार्क का चलन था, मींस जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है वो, और विक्स में कॉमन पीपल और पार्लियामेंट था। टॉरीज को सपोर्ट कर रहे थे जॉन ड्राइडन और विक्स को सपोर्ट कर रहे थे थॉमस शेडवेल। ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। तो ये जो पोयम है ये जॉन ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को जवाब देते हुए लिखी थी। सो अब शुरू करते हैं इसकी समरी को। ये जो पोयम है ये बेसिकली एक स्टोरी के फॉर्म में है, तो इसे हम एक स्टोरी की तरह डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पोयम में पूरी मॉकरी है, यानी जो जिस पे ये पोएम लिखी जा रही है यानी थॉमस शेडवेल, जिसे इस पोएम में नाम दिया गया है मैक फ्लेकनॉय, उसके ऊपर बेस्ड है, उस पे पूरी मॉकरी की गई है, यानी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस स्टोरी की यानी इस पोएम की शुरुआत होती है किंग एक रिचर्ड फ्लेकनॉय नाम के किंग से। सो बेसिकली ये किंग जो है ये किंगडम ऑफ डलनेस का राजा होता है और ये काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर राज कर रहा होता है। अब ये धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू होता है, मतलब इसकी एज धीरे धीरे बढ़ती है और इसे पता होता है कि ये एक दिन मर जाएगा। तो उसके बाद ये सोचता है कि क्यों ना उसके आने वाले सक्सेसर को ढूंढा जाए। सक्सेसर यानी जो उसकी राज गद्दी पे बैठेगा या जो उसके किंगडम को चलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे उसके पास प्रॉब्लम ये आती है कि उसके काफ़ी सारे सन्स होते हैं, यानी बहुत सारे बेटे होते हैं, तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो किसको राजा बनाए। काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आता है कि थॉमस शेडवेल यानी कि मैक फ्लेकनॉय जो है वो उसके किंगडम को कंट्रोल कर सकता है, यानी उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिनसे वो उसके किंगडम को चला सकता है। मैक फ्लेकनॉय हैड नेवर रिटन एनी इंटेलिजेंट और सेंसिबल वर्क बट मैनी अदर्स हैड डन सो। और ऐसा वो क्यों सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मैक फ्लेकनॉय है उसका बेटा
उसने आज तक जिंदगी में कोई भी इंटेलिजेंट या सेंसिबल वर्क नहीं लिखा, और बाकियों ने जो उसके बाकी बेटे हैं उन्होंने लिखा है। तो यानी कि एक कटाक्ष किया जा रहा है यहाँ पे, एक सटायर मारा जा रहा है कि उसने आज तक कभी जिंदगी में कोई सेंसिबल वर्क नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे राजा बनाना चाहता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही कंपेयर्स हिज सन विद टू पोएट्स नेम्ड थॉमस हेवुड एंड जेम्स शर्ले, इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजेस दोज राइटर्स और पोएट्स हु कॉपीज अदर वर्क्स। यहाँ पे जो पोएट है वो अपने सन यानी मैक फ्लेक्नॉय को दो पोएट से कंपेयर करता है जिनका नाम होता है थॉमस हेवुड और जेम्स शर्ले, जिन्होंने कभी भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं लिखा होता, हमेशा उन्होंने दूसरे के कंटेंट को कॉपी किया होता है। सो इनडायरेक्टली वो उन राइटर्स और उन पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करता है यहाँ पर, जो कि जिनका अपना खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, वो दूसरे के काम को या दूसरे के कंटेंट को कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है, आफ्टर ही सेज दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ हिज सन स्टुपिडिटी, बाय सेइंग ऑल दिस ही वांट्स टू प्रूव मैक फ्लेक्नॉय स्टुपिड। उसके बाद वो बताता है कि उसका जो सन है यानी कि मैक फ्लेक्नॉय, उसकी स्टुपिडिटी की कोई हद नहीं है, मतलब वो हद से ज़्यादा स्टुपिड है, ठीक है। और बेसिकली वो मैक फ्लेक्नॉय को यहाँ पर स्टुपिड कहना चाहता है, मैक फ्लेक्नॉय यानी कि थॉमस शेडवेल जिस पे ये पोएम लिखी जा रही है। नाउ फादर हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ कॉरोनेशन ऑफ हिज सन। अब जो उसके फादर होते हैं रिचर्ड, वो अपने बेटे मैक के कॉरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक उसका जो होने वाला होता है उसकी तैयारियां शुरू करते हैं। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नियर नर्सरी वेयर सम प्रोस्टिट्यूट्स डू देयर वर्क, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नॉट गुड देयर एंड ऑडियंस वॉज नॉट सो सेंसिबल, देयर माइंड वॉज एब्सोल्यूटली ब्लैंक। यानी कि वो तैयारी की शुरुआत कैसे करता है, वो एक नर्सरी ढूंढता है, नर्सरी के पास एक जगह ढूंढता है उसके राज्याभिषेक के लिए, जहाँ पर कुछ प्रोस्टिट्यूट्स अपना काम कर रही होती हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और साथ ही साथ जो ऑडियंस आई हुई होती है यानी जिन लोगों को बुलाया हुआ होता है राज्याभिषेक देखने के लिए, उनके जो माइंड है वो एब्सोल्युटली ब्लैंक होते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसा उनका राजा होता है और जिसका वो राज्याभिषेक कर रहे हैं अपने बेटे का, और वैसे ही उनकी ऑडियंस होती है। सो फर्दर पोएम में क्या होता है कि जो न्यूज़ सेरेमनी है कि इस ऐसी कोई सेरेमनी हो रही है, ये न्यूज़ बाकी के स्टेट्स में फैल जाती है और काफ़ी सारे लोग वहाँ से आते हैं और उस सेरेमनी को ज्वाइन करते हैं। There's no red carpet in street. Poem pages were spread on the floor, dull and useless, written by tears. वहाँ पर सेरेमनी में रेड कारपेट नहीं होता, बल्कि रेड कारपेट की जगह पोएम के पेजेस फैले हुए होते हैं पूरे फ्लोर पर, जो कि टीएस यानी कि थॉमस शेडवेल के द्वारा लिखी हुई डल और यूजलेस पोएम्स होती हैं। After ceremony completes at their place, there seems flying gowns. Audience sitting there praises this and says that how good environment had created him. इसमें next poem point ये बताता है कि जब ceremony complete हो जाती है तो वहाँ पर उन्हें उड़ते हुए flying owls नज़र आते हैं, उड़ते हुए उल्लू नज़र आते हैं, और जो audience वहाँ पर बैठी हुई होती है वो उन्हें प्रेज करती है और वो बोलती है कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली ये पूरा सटायर है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, रिचर्ड गिव्स अ स्पीच, ग्रेट फ्यूचर विल एक्सपैंड हिज किंगडम। इसके बाद जो रिचर्ड है वो स्टेज पर आते हैं और अपने बेटे के बारे में एक स्पीच देना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके किंगडम को बहुत ही अच्छे से संभालेगा और उसके किंगडम का ग्रेट फ्यूचर होगा और उसके किंगडम को एक्सपैंड करेगा। वो उसे एडवाइस देते हैं, ही सेज हिम टू ऑलवेज यूज अ स्टूपिड ब्रेन एंड नेवर बिलीव एनीवन एल्स। उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा अपने स्टूपिड ब्रेन की ही बात सुनना,
अभी किसी और की बात पर विश्वास मत करना. He further says to him to write his stupid poems filled with full of dullness. और उसे ये एडवाइस भी देते हैं कि वो अपनी स्ट्यूपिड पोएम्स लिखना चालू रखे जो कि पूरी तरीके से डलनेस से भरी हुई होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट इस पोएम में आता है, ही जस्ट नीड टू इमेजिन कॉपी अदर्स पोएट्री एंड नो नीड टू यूज हिज ऑन ब्रेन. ही कांट राइट एनी गुड पोएट्री सो जस्ट राइट एज ही कैन. उसके बाद जो रिचर्ड है वो मैकफ्लिक नॉय के बारे में बोलता है कि वो बस उसे बस इमेजिन करने की ज़रूरत है, दूसरे की पोइट्रीज को कॉपी करने की ज़रूरत है और उसे खुद का ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अच्छी पोइट्रीज नहीं लिख सकता, तो वो वैसे ही पोइट्रीज लिखे जैसे कि वो लिखता है. एट लास्ट मैकफ्लिक नॉय पुल्स डाउन हिज फादर बिफोर कंप्लीटिंग हिज स्पीच. एंड लास्ट में पोएम में ये दिखाया जाता है कि जो मैकफ्लिक नॉय है वो अपने फादर की स्पीच कंप्लीट होने से पहले ही उन्हें नीचे खींच देता है. He proves his stupidity, dullness and does not have brain. और इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि वो कितना स्ट्यूपिड है, डलनेस है उसमें कितनी और उसमें खुद का ब्रेन नहीं है. सो गाइस इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है. अब बात करते हैं इसकी थीम्स की. मेनली इसके तीन थीम्स हैं. पहला है विट वर्सेस ह्यूमर, दूसरा है डिबेसिंग ऑफ पोएट्री एंड आर्ट एंड थर्ड वन इज नेचर. सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.